हाउ टू जनरेट द रैंडम नंबर्स, और वो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि हम यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं, और उस यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करने के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे। बेसिकली हमने दो दो मेथड देखे थे, वन इज मिड स्क्वेयर मेथड, अनदर वन इज बेसिकली द एलसीजी मेथड। उनमें हमने कहा था कि बेसिकली ये ऐसे होने चाहिए कि जो कि आपकी रैंडम नंबर जनरेशन की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करने चाहिए। नंबर वन, क्योंकि यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स हम जनरेट करते हैं कि वो यूनिफॉर्मिटी को प्रॉपर्टी को फुलफिल करने चाहिए, मीन दे मस्ट फॉलो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड थिंग इज कि वो इंडिपेंडेंट रैंडम नंबर्स होने चाहिए। तो उसके हमने फोर टेस्ट पढ़े थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सो वो बेसिकली हम नंबर वन ये करेंगे कि ओके, वंस वी गेट द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर, कि हमने यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स हासिल कर ली हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द अदर डिस्ट्रीब्यूशंस रैंडम नंबर। सो हम उसी यूनिफॉर्म रैंडम नंबर को यूज करते हुए अदर डिस्ट्रीब्यूशंस के रैंडम नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो उसके हम डिफरेंट मैथड्स देखेंगे, लाइक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैथड है, कॉन्वोल्यूशन मैथड है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन मैथड है। जो अपर टू मेथड्स हैं इसकी तो मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा दूंगा, लेकिन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का जस्ट आइडिया आपसे शेयर करूंगा कि इसका बेसिकली आइडिया क्या है। देन आउटपुट एनालिसिस के अंदर मैं आउटपुट एनालिसिस के अंदर ब्रीफली मेन मेन तीन टेस्ट को डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका जो सिमुलेशन की आउटपुट एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली हमारे वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट ही यूज होते हैं, बट इसमें एक चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो हमें ये देखना होता है, क्योंकि जब हम सिमुलेशन को कर रहे होते हैं तो दो चीजें होती हैं। आइदर आपने अपनी सिमुलेशन को फोर्सफुली स्टॉप किया, मीन टर्मिनेट किया सिमुलेशन को, या आप उसको स्टडी स्टेट की तरफ ले गए। स्टडी स्टेट का क्या मतलब है कि सिस्टम एक ही तरह का इन अ लॉन्ग रन बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो वो उनके लिए टेस्ट आप मेनली एक ही तरह के अप्लाई किए जा सकते हैं। बट लेट स्टार्ट। सो ये बेसिकली है रैंडम नंबर जनरेशन थ्रू डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूजिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्वोल्यूशन मेथड, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन। सो ये बेसिकली है चैप्टर 8। और जो आउटपुट एनालिसिस से रेलिवेंट चैप्टर्स हैं ये है चैप्टर नंबर 9 और 10 उस बुक का, ठीक है जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कहा कि जी आपके पास यूनिफॉर्म अगर रैंडम वेरिएबल्स आ गए हैं, ओके, आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम नंबर्स डिटरमिन कर ली हैं, देन जब भी आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एक्सपोनेंशियल होगी या गामा या नॉर्मल, उसका अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके पास जब उस डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो देन आप जो है वो जो अर्लियर आपने यूनिफॉर्म का रैंडम नंबर डिटरमिन किया होगा, तो इन दोनों की बेसिस के ऊपर आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, लाइक जैसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो वो आपके पास ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि एग्जैक्ट हो, फास्टली कंप्यूट कर रहा हो उसको, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट हो, मीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। लाइक जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि हर मेथड के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट द मेन एलिमेंट क्या है कि आपके पास वंस कि आपने यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है, जब आपने किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्यूट आउट करना है। ओके, अब तरीके कार क्या है, लाइक हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, कि कोई भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो हमने क्या कर लिया, हमने उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिटरमिन कर लिया, ओके, और इसकी हेल्प से हम उसके वेरिएबल की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो व्हाट आर द टू स्टेप्स, सो दीज आर द टू स्टेप्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर फाइंड आउट करेंगे, और देन वी कैन फाइंड आउट द एक्स बाय टेकिंग द इनवर्स। ओके, सो अब ये इनवर्स हम कैसे लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास वाई जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट,
और जो एक्स की रेंज है वो है बिटवीन 0 to 1 के दरमियान एक्स की रेंज है. ओके सो अब हम कहते हैं कि अगर सपोज मेरे पास जो ये एफ ऑफ जो एक्स स्क्वेयर है दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सपोज अगर मेरे पास है राइट तो मेरे पास मैं एफ एफ इनवर्स क्या होगा दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर राइट. राइट ठीक सर, है और अगर मैं इसको वाई की सेंस में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ वाई दैट इज द स्क्वेयर रूट क्योंकि वाई जो है वो एक्स स्क्वेयर के बराबर है. और सिमिलरली अगर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज 0 to 1 है तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज भी क्या होगी 0 to 1 के दरमियान ही होगी. वन ठीक है एंड दैट वुड बी द एफ इनवर्स ऑफ वाई राइट. सो इस इनवर्स मेथड को हम क्या कहते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर सिंपली इनवर्जन अप्रोच कहा जाता है. क्लियर. सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कि आप एक नंबर जनरेट करते हो और उसका फिर इनवर्स लेके हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है उसका रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं. ओके लाइक विद द डायग्राम दिस सपोज हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्स के वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. सो वी हैव u1 वी हैव u2 सो ये दो यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स हैं. सो हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि उसको हम ड्रैग डाउन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ओके यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है. सो इट मीन u1 के अगेंस्ट मेरे पास एक्स की जो रैंडम नंबर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली u2 के अगेंस्ट जो है वो x2 की. सो हमारे पास दो डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट हो गए अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर जी. राइट सर, ओके स्पेसिफिकली अब हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सपोज मुझे कहा जाता है कि जी आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम नंबर जनरेट करनी है सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो आई नो द डेंसिटी फंक्शन कि डेंसिटी फंक्शन ये होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मुझे पता है अदरवाइज मैं कैसे निकाल सकता हूँ. सिंपली क्या करूंगा माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी नॉट माइनस इन्फिनिटी जीरो क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 to infinity. सो 0 to x एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स क्या है दैट इज दिस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स. सो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद दिस रेंज आई विल गेट दिस राइट. राइट सर, सो मेरे पास क्या आ गया जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. अब हमने क्या करना है सिंपली इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्सपोनेंशियल को इक्वल रख लेना है यू के. और यू क्या है यू है बेसिकली यूनिफॉर्म रैंडम नंबर. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे सिंपली सिंपल मैथमेटिकल अल्जेब्रिक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या रहा है दिस वन. इज इट क्लियर ये कैसे आ गया. सो जी सिंपली सर, सिंपल मैथमेटिकल आप करके आपके पास आ गया. सो दैट मीन्स कि इफ आई नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ आई नो द वैल्यू ऑफ यू आई कैन कंप्यूट द रैंडम नंबर विद अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द मेथड ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड राइट. राइट सर, ठीक है. सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करो उसको इज इक्वल टू यू रखो और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो. गामा है तो गामा के अकॉर्डिंगली सो वट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सो आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के जरिए उस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. सो बेसिकली हमारे पास जो एल्गोरिदम आ गया दैट इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यू एंड टू फाइंड आउट द रैंडम वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द फॉर्मूला. सो अब हम कैसे कर सकते हैं सिंपली वी कैन यूज द एक्सेल. ठीक है जी. एक्सेल का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस एल एन दैट इज नेचुरल लॉग 1 माइनस रैंड क्योंकि एक्सेल का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल रैंडम ये हमें 0 to 1 के दरमियान रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है. ठीक है. राइट सो डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू.
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वन माइनस रैंड मीन वन माइनस यू अगेन जो नंबर आएगा, सो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन जीरो और वन के दरमियान ही आएगा ना, वन माइनस रैंड का या वन माइनस यू का जी आपके सर। पास जो आंसर आएगा वो जीरो से वन के दरमियान ही आएगा। सो बजाय इसके कि एल एन वन माइनस यू लिखा जाए, आप सिंपली इसको यू भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, राइट। राइट सर। सो इसकी एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ एक्सेल की शेयर की हुई है, अगर आप ड्रॉप बॉक्स में आइएगा जरा। ड्रॉप बॉक्स में जी आइएगा, ड्रॉप बॉक्स में मेरे आपके साथ तीन फाइल शेयर की हुई हैं, जो नंबर वन लिखा हुआ है ना इन्वर्जन एक्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो उसको जरा देखिएगा। जी ओपन की है, बल्कि मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको। जी सर स्क्रीन। ओके ये देखो, अब मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के जरिए यूनिफॉर्म रैंडम जी नंबर को यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट किया इक्वल रैंड का फंक्शन यूज करते हुए, ठीक है। ओके अब मैं चाहूँ तो मैं जितने मर्जी यहाँ पे ये डिफरेंट रैंडम नंबर्स मैंने जनरेट कर लिए, राइट, राइट सर। जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या था, एक्स जो है दैट इज द रैंडम नंबर अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू माइनस एल एन यू। एल एन यू क्या था, दैट इज द यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा मीन्स दैट इज द पैरामीटर ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने अज्यूम कर लिया कि वो 0.2 के बराबर है, ठीक है जी। सो ठीक हमने सर। सिंपली वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस एल एन ए टू, और मैं इस सी टू को फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सी टू को जो है वो फ्रीज कर देता हूँ, यूज प्रेस यानी कि डॉलर साइन लगा दिए। सो अब मैं जितने चाहूँ इनके अगेंस्ट जो है वो रैंडम नंबर जो मैं जनरेट कर सकता हूँ, राइट। सो व्हेन द यूनिफॉर्म एक्स यू इज दिस, सो एक्सपोनेंशियल का रैंडम नंबर ये आया, जब यू ये था तो एक्सपोनेंशियल का रैंडम नंबर ये आया, जब यू ये था तो एक्सपोनेंशियल का रैंडम नंबर ये आया, एंड सो ऑन, राइट राइट सर। राइट। सो अब फर्दर आप इसको चेक भी कर सकते हो कि वेदर ये वाकई एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहे या नहीं कर रहा, ठीक है। सो उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। ओके ओके जी, सिमिलरली सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मेरे पास एक सिंपल डेंसिटी फंक्शन है, लाइक जैसे प्योर कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक डेंसिटी फंक्शन है कि हमारे पास फंक्शन है 45x डिवाइडेड बाई 16 विद द रेंज 0 to 0.4। इसी तरीके से सेकेंड फंक्शन है 27/16 विद द रेंज कि इस रेंज के अंदर ये डेंसिटी है। सो अगर मुझे इन्वर्जन मेथड के जरिए इसके रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस डेंसिटी फंक्शन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, अगेन हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम दिस रेंज अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला है, तो मैंने क्या किया, जीरो से लेके एक्स तक इंटीग्रेट कर दिया किसको, जो हमारे पास इस चीज का फंक्शन था, राइट। फंक्शन क्या था, दैट इज 45x/16। सो आप कह सकते हो 0 to x 45/16 एक्स इंटू डीएक्स। सो बेसिकली स्लाइड में मैंने जरा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस एक्स को यू कर दिया और यहाँ पे भी यू कर लिया, ठीक है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट क्लैरिटी रखने के लिए। ओके सो हमने क्या कर लिया, इस रेंज के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट रेंज फ्रॉम 0.4 to 0.8,
क्योंकि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने पढ़ा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. सो इट मीन मुझे 0.8 से बिलो तक तमाम के तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है. सो इट मीन ये तो ऐड होगा, सो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी. मुझे प्लस आपके पास जो आ जाएगा 0.4. सो अब इसको हमने एज इट इज कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना 0 to 0.4. सो बेसिकली हमने इस एक्स की जगह पे 0.4 पुट कर लिया, ठीक है. वो प्लस 0.4 से एक्स तक इसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास 0.4 से 0.8 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया. और लास्टली 0.8 से 0.1 के लिए अगेन हमने इस वाले फंक्शन को, इसको, ठीक है जी, इनको ऐड कर देना है और लास्टली इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया. सो वी गॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिटवीन द रेंज 0.8 से 0.1. ठीक है. ओके, सो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गए दैट इज इक्वल टू दिस, कि अगर आपका एक्स लेस देन जीरो है तो जीरो, 0 to 0.4 है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है, 0.4 से 0.8 के दरमियान है तो ये है, 0.8 से 0.1 के दरमियान है तो दिस वन, ठीक है जी. ओके, अब आपने करना क्या है कि हमें बेसिकली जो वैल्यूज चाहिए होंगी वो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 के अगेंस्ट वैल्यू चाहिए. मीन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 0.4 पुट करेंगे तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी विच इज दिस, क्योंकि इस वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास जो है वो रैंडम नंबर की वैल्यू आएगी, दैट इज दिस. इसी तरीके से 0.8 के अगेंस्ट हमने इसमें 0.8 पुट करना है और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? ओके, सो अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करेंगे टू कंप्यूट आउट द रैंडम नंबर्स अकॉर्डिंग टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन. सो एफ ऑफ एक्स जो था उसको हमने यू के इक्विवेलेंट रखा और एक्स की ले ली, और ये किस रेंज के दरमियान है, रिमेम्बर कि एक्स की जो रेंज थी वो 0 to 0.4 थी, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 0.4 पुट किया, लाइक जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको शो किया, तो 0.225. सो दैट मीन एक्स की जो रेंज होगी वो 0.0 से 0.4 नहीं बल्कि 0 to 0.225 होगी, ठीक है. इसी तरीके से हमने क्या किया, 0.225 से लेके अब आपके पास क्या आएगा, हमने नेक्स्ट जो 0.8 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.9. इट मीन जो नेक्स्ट हमारे पास एक्स की इस वेरिएबल की रेंज आ रही है, मीन ये कॉन्टिन्यूस होगा फ्रॉम द रेंज 0.225 to 0.9 रेदर देन 0.4 to 0.8. इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो फ्रॉम 0.9 to 1 के दरमियान होगा रेदर देन 0.8 to 0.1. इज इट क्लियर? राइट. ठीक है. ओके, सो हमारे पास जो दैट मीन प्योर एल्गोरिदम बन गया दैट इज इक्वल टू दिस, कि हमारे पास वो जो गिवन डेंसिटी फंक्शन था अगर हमने उसके रैंडम नंबर जनरेट करने हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी नीड यू दैट इज यूनिफॉर्मली रैंडम नंबर, और मैं एक्स की वैल्यू लूंगा, ठीक है, जनरेट कर सकता हूँ जब आपका यू जो है वो बिटवीन दिस रेंज होगा, यूजिंग दिस फंक्शन. एक्स की वैल्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ जब मेरे पास यू की रेंज ये वाली होगी, एक्स की वैल्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ जब मेरे पास यू की ये वाली वैल्यू होगी. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेल दिस वन. सो ये मैंने आपके साथ अगेन एक्सेल की फाइल शेयर की हुई है, उसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ, सो यू कैन चेक दैट वन एज वेल. ठीक है जी. ठीक समझ. ओके, नेक्स्ट ये भी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस फंक्शन है, अगर आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ जाए और आपने उसके ऊपर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करना हो तो कैसे करोगे. ओके, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आपने क्या करना है, सिंपली लाइक जैसे सपोज मेरे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू आई नो विच इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 4, मीन जब एक्स इज इक्वल टू 5 है तो मुझे पता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, सॉरी. सो अगर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, सो दैट मीन्स कि जब आपके पास
एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 3/4। सो दैट मीन कि अगर मेरे पास 0 से लेके 3/4 तक u की वैल्यू आती है, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल, कि अगर इसके दरमियान प्रोबेबिलिटी आएगी तो मेरे पास जो x आएगा वो आना चाहिए 2, राइट? सो इट मीन u इस रेंज के अंदर जहां पे भी लाइक करेगा उसके अगेंस्ट जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है विच इज 2, बिकॉज इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम। सो रिमेंबर दैट इन डिस्क्रीट सिनेरियो आपकी उस 0 से लेके उस प्रोबेबिलिटी तक जो भी आपकी u की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 इस केस में। और 3/4 से लेके 1 के दरमियान, क्योंकि 1 - 3/4 क्या होगा, दैट इज 1/4, राइट? सो 3/4 से लेके 1 के दरमियान में जब भी यूनिफॉर्म रैंडम नंबर की वैल्यू होगी दैट वुड बी x इज इक्वल टू 5। दैट इज दिस वन, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर दिस। सो वी नीड अ यूनिफॉर्म रैंडम नंबर और हमारे पास x इज इक्वल टू 2 होगा अगर u की वैल्यू 0 से 3/4 के दरमियान है, x की वैल्यू 5 होगी अगर u की वैल्यू 3/4 से लेके 1 के दरमियान है। क्लियर? ओके, सो हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे और मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो जनरलाइज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो एक्स आई होगी, ओके, अगेंस्ट दिस प्रोबेबिलिटी, राइट? सो आई मीन जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट उसकी एक्स की वैल्यू होगी। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है एल्गोरिथम की सेंस के अंदर, कि वंस वी जनरेट अ यूनिफॉर्म रैंडम नंबर, सो यूनिफॉर्म रैंडम नंबर मीन फ्रॉम 0 to 1। सो 0 to 1 का क्या मतलब है, बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है विच इज पी आई, राइट? ठीक है, right. So, हम कहेंगे कि आपके पास जब भी जो भी पी आई की वैल्यू होगी इस रेंज के अंदर 0 से 1 के दरमियान वो उसके अगेंस्ट एक्स के इक्विवेलेंट होगी, सेम जो प्रीवियस डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, राइट? सो एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है जब वो इक्वल है पी आई के। अब इस पी आई को मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सेंस में कैसे लिख सकता हूँ? हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, राइट? अब यहां पे ये जो चीज है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जे माइनस 1, ठीक है, राइट? क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं फ्रॉम 1 to j-1। सो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 1 से लेके j माइनस 1 तक जा रहे हैं अप टू पी आई। इसी तरीके से ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू j, ठीक है? सो बेसिकली ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो चीज है बेसिकली ये बराबर है f ऑफ j माइनस 1 के, राइट? ठीक जी, इज लेस देन और अगेन लेस देन और इक्वल टू, ये जो चीज है ये बराबर है किसके, f ऑफ j के। सो यहां पे कहने का क्या मकसद है कि अगर मेरे पास दो कंसेक्टिव पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अवेलेबल है तो अगर मैं अगले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पॉइंट से प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पी आई, यही आएगा ना, राइट सर जी? ठीक है, ठीक। लाइक ग्राफिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, जैसे हमने इस एग्जांपल को देखिएगा, सो बेसिकली हमने क्या कहा कि अगर 0 से लेके 3/4 तक आपकी यूनिफॉर्म मीन प्रोबेबिलिटी आती है या यूनिफॉर्म रैंडम नंबर आता है तो उसके अगेंस्ट एक्स के 2। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/4, राइट? राइट, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 3/4,
ठीक सर जी राइट इसी तरीके से जैसे वन के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ वन। ठीक है, एफ ऑफ वन का ठीक क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, और इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3/4। राइट, सो अगर मैं एफ ऑफ वन से माइनस कर दूं एफ ऑफ 3/4 को, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1/4, मीन जो इनके दरमियानी होगी। सो बेसिकली इनके दरमियानी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से 3/4 के दरमियानी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। सो कहने का मकसद क्या है कि दो कंसेक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल ही होती है। इज इट ठीक क्लियर? सर जी ठीक है, यस सो इस सिंपल इस यू के बजाय आप यहाँ पे अगर पी आई भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है, क्योंकि वी नो दिस इज प्रोबेबिलिटी विच इज बिटवीन 0 to 1। राइट, राइट सो हम बेसिकली इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे, और अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग या ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फंक्शन पता है, पी इंटू 1 माइनस पी पावर i-1, एंड वी नो दैट 1 माइनस पी जो है वो ई क्यू के बराबर है, तो इसलिए हमने लिख लिया पी क्यू i-1, जबकि i क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, सो अब मैं अगर ठीक इस प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाऊं तो मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, एंड वी नो दैट के जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल होती है उसकी रेंज क्या होती है, 1 to infinity। ठीक है, सो अब हमें जब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है फॉर सिंप्लिसिटी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज को यूं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। So, यहां पे मैंने क्या यूज किया है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज की राइट है। ठीक राइट, सो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज करते हुए हमने इसको कर दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई। सो दैट मीन्स ग्रेटर देन आई का क्या मतलब है, इस हम ओनली फेलियर प्रोबेबिलिटी मीन फर्स्ट आई फेलियर प्रोबेबिलिटी को ले रहे हैं, सो इट मीन हम इस सक्सेस को खत्म करें, सो जस्ट हमारे पास ये चीज आ जाएगी आई फेलियर तक। सो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया दैट इज एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू पार आई। ठीक है, ठीक सर जी जी ओके, बिल्कुल सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे टू कंप्यूट आउट द रैंडम वेरिएबल। ओके, ओके सो मैंने क्या किया, इफ हम कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू जे है, ठीक है, कि एक्स जो है वो जे के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ अगर आपका जो यू है वो दो कंसेक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दरमियान लाई कर रहा हो। राइट, राइट सर ठीक है, जी सो अब हमने जब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल अगर मुझे इसका फंक्शन लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, अभी जो हमने प्रीवियस लिखा कि जब एफ ऑफ जे था तो हमने लिखा, सॉरी एफ ऑफ आई था तो 1 माइनस क्यू पावर आई, तो जब एफ ऑफ i-1 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू पावर i-1। सो वही चीज हमने यहाँ पे की है, इसको हमने ये आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ जे का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया वो आ गया 1 माइनस क्यू पावर j। ठीक है जी, और ठीक यू हमारे पास सेंटर में आ गया। अब हमने क्या कर लिया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, सो सिंप्लीफाई किया मीन 1 को जो है वो ऐड कर दिया, सॉरी 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास जो है वो ये वाली रेंज आ गई। राइट, सो दैट मीन 1 माइनस यू जो है वो बराबर इक्वलेंट होगा, मीन सेंटर में लाइक कर रहा होगा क्यू जे से लेके क्यू जे-1 के दरमियान। ये क्लियर हो गया, ये कैसे आ गया? राइट सर जी सर ठीक है, ओके, सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो है
जैसे जैसे आपके पास जो क्यू जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपके पास जो है वो क्यू जे की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है, राइट राइट. सो दैट मीन हमारे पास जो एक्स है वो इक्वल होगा मिनिमम ऑफ क्यू जे इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस यू, कि जो इनमें से जो मिनिमम आएगा दैट इज इक्वल टू हमारे पास एक्स, राइट? ठीक है. सो हमने अब क्या कर लिया, दोनों तरफ जो है वो नेचुरल लॉग ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया जे एल एन क्यू और यहाँ पे आ जाएगा एल एन वन माइनस यू, और क्योंकि हमें जे की वैल्यू, जे बेसिकली दैट इज इक्वल टू एक्स, सो हमारे पास क्या आ जाएगा एल एन वन माइनस यू और एल एन क्यू, एंड वी नो दैट क्यू किसके बराबर है 1 माइनस पी के, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक रैंडम नंबर यूजिंग द मेथड ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. और एक्सेल के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. राउंड अप का क्या मतलब है कि अगर 3.12 या 3. समथिंग आते हैं तो वो उसको अपर नंबर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है. सो ये भी मैंने आपके साथ एक्सेल की फाइल शेयर की हुई है, सो वहां से आप उसको देख सकते हो, राइट? जी सर. ओके, सो अब हमारे पास इसके कुछ जो है वो जो डिसएडवांटेजेस एक सेंस में आप देख लें कि हमारे पास क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है. सो दैट मीन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका क्लोज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैलकुलेट ना कर सकें, तो वहां पे आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, राइट? ठीक है, ओके. सो दैट मीन वहां पे ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा अगर जो है वो क्लोज फॉर्म हम नहीं कर सकते. तो दैट मीन वहां पे फिर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नहीं, हमें कोई और मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पे आप जो है वो क्लोज फॉर्म कैलकुलेट ना कर सको. बट इसका क्या कहा जाता है कि अगर आप थ्योरेटिकली उसका क्लोज फॉर्म ना कर सको तो फिर हम न्यूमेरिकली जो है वो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं कि न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. बट जनरली हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. ओके, बट साथ ही साथ इस मेथड के एडवांटेजेस भी हैं. अब ये जरा थोड़ा सा एडवांस चीज आ जाती है कि ऑब्वियसली जो हमने रैंडम नंबर जनरेट करनी है वो हमारे पास जो रैंडम नंबर है वो आपके पास जो है वो मस्ट बी कोरिलेटेड होने चाहिए, उनमें वेरिएशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए. तो अब ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ये डिफरेंट मेथड्स भी हैं लाइक वेरियस रिडक्शन टेक्निक्स, ठीक है, हाउ वी कैन रिड्यूस दोज वेरिएशंस, ठीक है. फिर इसी तरीके से ये हमें काफी हेल्पफुल है टू जनरेट द ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस के रैंडम नंबर. ये ट्रंकेटेड का क्या मतलब होता है, मैं जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. ट्रंकेटेड का मतलब ये होता है कि लाइक जैसे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक रेंज तो होती है माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी, राइट? ओके, सो अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है तो ऑब्वियसली उस रैंडम नंबर की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी होती है. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हम रैंडम नंबर जो है वो इस रेंज के अंदर हमें नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रैंडम नंबर चाहिए. मसलन मैं कहता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है वो उसकी मिनिमम रेंज 10 है और मैक्सिमम 20 है, बट वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. 10 से कम नहीं उसकी वैल्यू हो सकती और 20 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रंकेट कर देते हैं, मीन के इसकी मिनिमम वैल्यू है 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 20. तो ऐसी सिचुएशन में इसको फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको क्या कहेंगे, ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? ठीक है. तो फिर इस सिचुएशन में भी ये हमें जो है ये मेथड हमें हेल्प आउट करता है टू कंप्यूट आउट. सो दैट मीन फिर हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में
हम जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे वो माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी के दरमियान उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही निकाला जाएगा, बल्कि उसकी उस ट्रंकेटेड रेंज के दरमियान उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, मीन रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, राइट? ओके, और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल अगर मैं लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मींस कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको रैंडम वैल्यूज देना,